अब अगली बड़ी खबर है मुंबई से, जहां पर मुंबई के आतंकी हमले के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कई इलाकों में मॉक ड्रिल भी किया है और सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो देख लीजिए, आतंकी हमले के बाद मुंबई में अलर्ट जारी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कई इलाकों में मॉक ड्रिल भी पुलिस की तरफ से की गई। मुंबई में आतंकवादियों का खतरा है, इसी बात सेंट्रल एजेंसियों ने मुंबई पुलिस को बताइए। इस पार्श्वभूमि को देखकर मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है और मुंबई पुलिस ने मुंबई शहर में कड़ी से कड़ी सुरक्षा भी की है। इस बात को देखकर भीड़भाड़ वाली जगह और धार्मिक स्थलों पर मुंबई पुलिस का अभी विशेष ध्यान रहेगा और इस जगह पुलिस एक अच्छे तरफ से इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि हमें भीड़भाड़ वाले स्थानों और धार्मिक स्थलों पर मॉक ड्रिल्स करने का निर्देश दिया गया है। शहर के सभी डीसीपी अपने अपने जोन में सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस ने क्रॉफर्ड मार्केट इलाके में मॉक ड्रिल किया। यह वह इलाका है जहां भारी भीड़ होती है। यहां दो प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। पुलिस ने सिक्योरिटी ड्रिल के संदर्भ अधिकारी तौर पर कहा कि यह एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज था, लेकिन अचानक से ऐसा एक्सरसाइज क्यों किया जा रहा है यह नहीं बताया। पुलिस ने आगे बताया कि आगामी तौर पर चुनाव को देखते हुए क्रॉफर्ड मार्केट और मुंबई के अन्य स्थानों पर मॉक ड्रिल किए गए हैं, पर हमारी जो जानकारी है उस अनुसार कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा होने जा रही है। इस पार्श्वभूमि को देखकर इधर झगड़े फसाद और दंगल जैसी परिस्थिति ना हो, इसको देखकर भी पुलिस सतर्क हो गई है और सेंट्रल एजेंसी ने जो मुंबई पुलिस को जानकारी दी है वो पार्श्वभूमि और चुनाव की पार्श्वभूमि देखकर मुंबई पुलिस अब सतर्क होते हुए देख सकती है। ABP News, आपको रखे आगे।